दोस्तों ये एडवर्टाइज नहीं है, लेकिन आप भी अगर सैफी सिंगर से लाइव बात करना चाहते हैं तो आ जाओ यहाँ, नहीं यहाँ। सो गाइस, मौज एप्लीकेशन में अगर आप लाइव आते हो या फिर आप किसी की लाइव में जाते हो, तो दो ऐसी खास इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि आपके लाइव करते टाइम या लाइव आते टाइम दोनों चीज़ें ये इंपॉर्टेंट है। समझते हैं सीधे टॉपिक पर। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों, और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए, किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए मैं वहाँ पर एक्टिव रहता हूँ। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मौज एप्लीकेशन की, और इस मौज एप्लीकेशन में जब आप लोग लाइव आ रहे होते हो या फिर जब आप लोग लाइव किसी की देख रहे होते हो, कुछ ये चीज़ें आपके सामने होती हैं। बेसिकली ये मैं बता रहा हूँ, आप किसी की लाइव में जब जा रहे होते हो, तो जब किसी की लाइव को आप चेक कर रहे होते हो, तो शेयर पर जैसे ही आप टैप कर रहे होते हो तो ये आपके सामने खुल के आता है। इसमें दो चीज़ें हैं, पहला तो है पिक्चर इन पिक्चर, और दूसरा है रिमाइंड मी फॉर लेटर, यानी कि आपको इस बंदे की लाइव कभी भी आती है तो आपको रिमाइंड कर दिया जाता है वो। तो ये दोनों ही नोटिफिकेशन जब आप ऑन करते हैं, पहला तो है पिक्चर इन पिक्चर, थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। जब पिक्चर इन पिक्चर को आप ऑन कर देते हैं, इनेबल करते हैं, तो इसको इनेबल करने के बाद आप उनकी लाइव तो देख ही रहे हैं, लेकिन अगर लाइव देखते देखते आप कुछ और काम भी करना चाहते हैं, लाइक व्हाट्सअप चलाना चाहते हैं, आप किसी होम स्क्रीन पर आते हैं, तो कुछ इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। आप उस स्क्रीन को मिनिमाइज, स्क्रीन हो जाती है आपकी जो लाइव स्क्रीन है, और उसको आप कहीं भी इधर उधर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और अपने ऑल्टरनेट जो दूसरे काम है वो कर सकते हैं पिक्चर ऑन पिक्चर को इनेबल करके। समझ में आया? अब दूसरा वाला है रिमाइंड फॉर लेटर। ये रिमाइंड वाला लेटर जो है ये लाइव के लिए है। अगर ये क्रिएटर आपका फेवरेट क्रिएटर है और आपने इसको इनेबल कर रखा है, तो ये क्रिएटर जब भी लाइव आएगा आपको रिमाइंडर ऑन हो जाएगा और आपको रिमाइंड कर दिया जाएगा कि आपका फेवरेट क्रिएटर लाइव है और लाइव आने वाला है। तो बेसिकली इन दोनों ऑप्शंस पर कोई नया अपडेट तो नहीं है, ये सेम है और सभी की प्रोफाइल पर देखने को मिलेगा। ये ज़्यादातर आप लोगों के लिए बनाया है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आप लोगों ने मुझसे पूछ लिया है। तो चलो, अगला टॉपिक क्या होना चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ। आज के लिए बस इतने दोस्तों, जय हिंद।